गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो आपका सेकंड ईयर का पेपर टू है, ये ध्यान रखना, पेपर वन जो है थर्मोडायनेमिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो मेरे पास है आप लोगों का। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, और जब तक, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल कुछ आया है हमारे पास अल्टरनेट डेज के लिए, तो जैसा होगा उसके हिसाब से देखते हैं फिर। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर टू है, ठीक है। फर्स्ट आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, लेकिन हम वो चाहते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल्स करें तो उनके साथ जब वो आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसीलिए हम नॉन रिलेटेड यानी थर्मोडायनेमिक्स को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक मतलब मोशन। यानी जब हम किसी सिस्टम के अंदर हीट को स्टडी करते हैं, ठीक, और हीट जो है वो मोशन के अकॉर्डिंग स्टडी हो, तो वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। यानी कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जब हीट जो है वो मोशन में है, एक तरीके से हीट एनर्जी चेंज हो रही है एक से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होने का मतलब क्या है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल सकती है, ठीक है। हीट एनर्जी आपकी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है, या कोई भी एनर्जी में चेंज हो जाए। तो इसका मतलब हीट जो है वो दूसरी फॉर्म्स में चेंज हो रही है, यानी मोशन में है। तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट एनर्जी के चेंज को डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक। यानी इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म्स। दूसरी चीज़, ये जो हीट एनर्जी का कन्वर्जन है यानी कि थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमेशा मेजर या मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल्स के यानी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ी प्रॉपर्टी का मतलब हम मोटे तौर पर कहें तो टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो इनको स्टडी करने के लिए हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। यानी ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इस तरीके से इनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एटम के साइज़ पर, मॉलिक्यूल के साइज़ पर, एटम के स्ट्रक्चर पर, या पार्टिकल्स पर जो छोटे छोटे होते हैं, कोई डीलिंग नहीं है इसकी। इट डज़ नॉट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ उसके टेम्परेचर से, उसके ऊपर प्रेशर से, या उसके ऊपर उसकी इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। यानी कि ये मैक्रोस्कोप को स्टडी करता है, पार्टिकल्स का साइज, एटम के साइज, नंबर्स पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम क्या होता है। जब आप कोई भी थ्री डायमेंशनल रीजन एरिया लेते हैं, कोई भी एरिया, ठीक है, जिसको आपने स्टडी करना है, तो दैट एरिया और रीजन इज नोन एज सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज़ ए थ्री डायमेंशनल रीजन इन द यूनिवर्स विच कैन बी बाउंडेड बाय मोर और आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रिकल सर्फेसेस। यानी कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी थ्री डायमेंशनल का रीजन जो बाउंड्रीज से बाउंडेड है, ठीक है, और ये बाउंड्रीज जो बाउंडेड हो रखी है इस सिस्टम के लिए, ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, ये डिक्रीज भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। और जो सिस्टम है आपका वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ को, जिसको भी आप अंडरस्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करने का मतलब उसके बारे में टेम्परेचर, हीट, प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो सिस्टम जो आपने चूज किया है दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। जो भी आपने चूज किया है वो मोशन हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। और वो बाउंड्रीज कैसी भी हो सकती हैं, उसकी स्केयर शेप,
इरेगुलर शेप या फिर आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि बाउंड्रीज में चेंज देयर साइज और शेप ऑल्सो। इस सिस्टम को छोड़ करके जो भी बाहर का एरिया है, बाहर का रीजन है, उसको हमने सराउंडिंग का नाम देना होता है। यानी मान लिया आपने एक ग्लास को सिस्टम चूज कर लिया, ग्लास, ठीक है, ये ग्लास के अंदर कुछ मटेरियल है इसको, या ये सिस्टम आपने बना दिया, तो इसके चारों तरफ जो भी होगा, यानी इस ग्लास को छोड़कर पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो इसकी सराउंडिंग आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम को छोड़कर बाहर का पूरा एरिया, पूरा रीजन, पूरा जो भी सब कुछ बचता है वो उसकी सराउंडिंग्स में आता है। सिस्टम वो जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी शेप, साइज और वर्चुअल रियल कुछ भी हो सकता है वो आपका, ठीक है। यानी सराउंडिंग एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज विद इट डायरेक्टली हैविंग ऑन इट्स बिहेवियर, बियरिंग ऑन इट्स बिहेवियर। यानी कि सिस्टम के अलावा जो बाहर रह गया वो सराउंडिंग है, वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच भी हो सकता है, इसके साथ हीट का एक्सचेंज भी कर सकता है, ठीक है, और नहीं भी कर सकता। यानी सिस्टम को छोड़कर जो भी बचता है वो आपका सराउंडिंग है। और अगर हम सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को मिला दें, सिस्टम तो आपने छोटा सा एरिया रीजन ले लिया, बाहर सराउंडिंग सब कुछ है, और इन दोनों को मिला दें तो यूनिवर्स बन जाएगा आपका, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज योर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका आ गया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में कितने टाइप्स का हो सकता है, किस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो तीन तरह का हो सकता है आपका, एक आइसोलेटेड, एक क्लोज और एक ओपन। ओपन क्या होता है? ओपन का मतलब ये है कि मान लिया जब आपने सिस्टम को चूज करा, जैसे एक ग्लास चूज करा था, इसके अंदर वाटर को चूज कर लिया, तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो पानी बाहर जा रहा है, साथ में इसकी हीट भी बाहर जा रही है, जितना गर्म हो रहा है, तो वाटर के साथ साथ हीट का एक्सचेंज हो रहा है। यानी मैटर के साथ अगर हीट भी, एनर्जी भी चेंज हो, तो वो ओपन सिस्टम है, विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है। मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, इवेपोरेट होकर के पानी बाहर जा रहा है, और उसकी एनर्जी भी बाहर जा रही है, तो दोनों ही चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी और मैटर का भी, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अगर हम इस ग्लास को ऊपर से बंद करते हैं, ठीक है, अब इसमें से वाटर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये गर्म हो रहा है तो ये अपनी हीट सराउंडिंग को दे रहा है, विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं है, क्वांटिटी का एक्सचेंज नहीं है, बट देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, दैट इज नोन एज क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड का मतलब ये कि अगर मैं इस कंटेनर को बाहर के साथ आइसोलेट कर दूं, बंद कर दूं, जैसे थर्मल आपके जो फ्लास्क होते हैं, ठीक है, जब जैसे आप मिल्टन की बोतल लाते हैं ना, उस मिल्टन की बोतल में पानी गर्म का गर्म और ठंडे का ठंडा रहता है, ना तो पानी बाहर जा रहा है ना उसकी हीट बाहर जा रही है, तो वो एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है, नाइदर हीट नॉट मैटर, दोनों में से अगर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा देन इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास ये तीन तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें जब पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी कोऑर्डिनेट्स किस किस तरीके से होते हैं हमारे। जब भी हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को लिखते हैं तो उसके अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट्स को हमने याद रखना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसको हम PVOT से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरीके से ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। दीज PV एंड T रिप्रेजेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम कंप्लीटली। इन तीनों से हम पूरी स्टेट को, जो भी उसका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उन तीनों को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हमें मान लिया दो का पता है, तीसरा नहीं पता, तो अगर हमें दो पता है, तीसरे को निकालना है, तो हम उसको उसका फंक्शन बना देंगे दो का, या यूँ कह सकते हैं कि एक जो है वो दो के ऊपर डिपेंडेंट है,
वन इज डिपेंड ऑन अदर टू, जैसे वॉल्यूम फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का, ऐसे इंटरनल एनर्जी फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का हो सकती है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसके साथ आप इंटरनल एनर्जी या हीट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हमने ये लिख दिया फंक्शन पी वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं हम ये कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं आई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट गैस होती है वो पी वी इज इक्वल टू आर टी से रिप्रेजेंट होती है। अब यहाँ देखो पी वी और टी, आर कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो जब हम परफेक्ट गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भी ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स यूज हुए, कौन कौन से, प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। तो यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों जो आपके पैरामीटर्स हैं वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का काम करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी, एक गैस को रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशन ने, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको इसके पैरामीटर की तरह, वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जब हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पता चल गया तो अब प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है वे एक्चुअल में चार तरह का है हमारे पास। आइसोथर्मल, आइसो वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है सेम, एक जैसा, और थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर से। जहाँ पर टेम्परेचर सेम हो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कह देंगे। इस आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर चेंज जीरो हो जाएगा वहाँ, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, या यू कहेंगे टी इज कॉन्स्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड हीट कैन चेंज विद कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और हीट चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। और वी कैन राइट दिस इज एज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी आइसोथर्मल की बात होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। मान लिया पहले किसी सिस्टम का प्रेशर पी वन था, अब प्रेशर चेंज हो गया पी टू, वॉल्यूम था वी वन, अब वॉल्यूम हो गया वी टू। तो जब प्रेशर पी वन और वॉल्यूम, प्रेशर पी वन से पी टू, वॉल्यूम वी वन से वी टू चेंज हो रहा है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे पी वन वी वन दिस इज इक्वल टू पी टू वी टू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दैट इज ए कॉन्स्टेंट, और ये भी एक तरीके से कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर इसको पी वी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो प्रेशर वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, एंड दिस इज योर पी वी, या यू कहें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है ये, ग्राफ आपने याद रखने है। कई बार यही पूछ ले जाते हैं व्हाट डज दिस पी वी इंडिकेटर डायग्राम आइसोथर्मल के लिए। दूसरा आता है आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर, बार मतलब प्रेशर। ठीक है, तो जब प्रेशर सेम हो जाए तो उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक का नाम देते हैं। अब प्रेशर सेम है तो क्या चेंज होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम और हीट विल चेंज एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, और वी कैन से चेंज इन प्रेशर इज जीरो, और चेंज इन प्रेशर जीरो है तो पी की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। जब इस तरह के प्रोसेस हो तो यहाँ पर तो था हमारे पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी अपॉन में टी दैट इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, वी बाय टी दैट इज कॉन्स्टेंट। एंड व्हेन वी बाय टी इज ए कॉन्स्टेंट, तो मान लेते हैं टेम्परेचर टी वन से टी टू चेंज हो रहा है और वॉल्यूम वी वन से वी टू चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है वी वन अपॉन टी वन, तो वी वन वी टू अपॉन टी टू भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट, और आपस में कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम।
तो वी कैन राइट वी वन अपॉन टी वन, वी टू अपॉन टी टू, दैट इज इक्वल। और ग्राफिकली या पीवी इंडिकेटर में आइसोबारिक को रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर वॉल्यूम, हमेशा ध्यान रखना है प्रेशर यहीं लेना है, वॉल्यूम बाई एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये आपका प्रेशर है, लेकिन जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम। जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ जाए प्रेशर क्या है, सेम, बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना है इस चीज़। जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ जाए प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम कब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा, वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली था, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये पीवी इंडिकेटर आइसोबारिक के लिए है। आइसोकोरिक, आइसो सेम, कोरिक वॉल्यूम हो गया भैया, ठीक है। बारिक और कोरिक में ध्यान रखना है, बार मतलब प्रेशर और कोर मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो और हीट चेंज होगी, लेकिन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, और वी कैन से वी इज कॉन्स्टेंट। और जब ये सिचुएशन आ गई तो इसका रिवर्स हो गया, पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया, और पी बाई टी जब कॉन्स्टेंट हो गया तो प्रेशर पी वन से पी टू, टेम्परेचर टी वन से टी टू चेंज हो रहा है, तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज पी वन अपॉन टी वन, पी टू अपॉन टी टू इज इक्वल, ठीक है। अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ वाई एक्सिस पर चेंज होता चला जाएगा, एक्स में चेंज नहीं, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। जितना मर्जी प्रेशर बढ़ जाए वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है यहां पर, ठीक है। सो दिस इज पीवी इंडिकेटर फॉर आइसोबारिक, आइसोकोरिक। और चौथा आता है आपका एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट है उसमें, और एक तरीके से केव की वैल्यू जीरो। अब तीनों चीज चेंज होगी यहाँ, पी भी, वो वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस बट डज नॉट हीट, और वी कैन से चेंज इन हीट इज जीरो और क्यू इज कॉन्स्टेंट। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी वी, कुछ बुक्स में गामा है, कुछ बुक्स में आर है, कुछ में कुछ है, तो आप जैसा जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से लिख दें। मैंने लिखा है पी वी गामा, दिस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज पी की जगह अगर टेम्परेचर में लिखना है तो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू के। और गामा क्या है, सी पी अपॉन में सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये गामा की वैल्यू है, और इसका जो ग्राफ है वो भी पहले वाले ग्राफ की तरह ही चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा शेप में चेंज रहेगा, ये ध्यान रखना। जब हम हीट को कांस्टेंट कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ने और वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ हीट कांस्टेंट विल बी पीवी इंडिकेटर लाइक दिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कुछ लॉज की बात करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू।